नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ड मिलियन में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रीलंका वुमेन और इंडिया वुमेन T20 मैच का। दोस्तों ये तीसरा T20 मैच खेला जाने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ साथ इसका डेवलपमेंट टीम डिस्कस करने वाला दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों और बीच में इसकी मत करना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को कुछ अहम प्लेयर के बारे में बताने वाला दोस्तों, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, आपका अच्छे टीम क्रिएट करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल बटन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11 का। दोस्तों श्रीलंका की तरफ से आपको अपनी दिख जाएगी मारियट्टा पट्टू, उनके साथ यशोदा मेंडी, फर्स्ट रन आपको देखिए दिलानी मंदोदरा, जो कि दोस्तों इनके विकेटकीपर बैट्समैन है। पिछले मैच में दोस्तों रेबिका बेंडॉट को खिलाया गया था, बट इस मैच में दोस्तों कुछ चेंजेस करके दिलानी मंदोदरा को टीम में ऐड किया गया, और मुझे लगता है कि दोस्तों ये आपको फर्स्ट रन बैटिंग करते देखेगी। उनके पास शशिकला सिरवर्धन, एहसानी लोक सूर्यागे, उनके पास एमा कंतना को भी दोस्तों टीम में ऐड किया गया। उनके बाद लक्षिका दे सिल्वा, सिरिपल्ली वीरा कोटी, उद्देशिका प्रबोधनी, सुगंधिका कुमारी के दी। दोस्तों इसमें अगर आपको की प्लेयर बता दूँ तब के लिए चमारेटा पट्टू, उसके बाद दोस्तों यहाँ से श्रद्धा मेंडिस, दिलारी मंदोदरा, एहसानी लोका सूर्यागे, एमा कंचना, नीलाक्षिका डेसिल्वा, सिरिपल्ली वीरा कोटी, उद्देशिका प्रबोधनी। दोस्तों ये आपके लिए की प्लेयर है, इसमें ज़्यादा ज़्यादा टीम अपने प्लेयर दोस्तों अपने टीम में पिक करने का कोशिश करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन टीम का प्रोबेबल प्लेइंग 11। दोस्तों इंडिया तरफ से आपको अपनी कत दिख जाएगी मिताली राज, उनके साथ स्मृति मानधना, फर्स्ट रन आपको देखिए जमीमा रोड्रिगेज, उनके बाद हरमनप्रीत कौर, तानिया भाटिया, वेदा कृष्णमूर्ति, अनुजा पाटी। दोस्तों यहाँ दीप्ति शर्मा को ऐड किया गया दोस्तों मानसी जोशी के जगह पे, और यहाँ दोस्तों अरुंधती रेड्डी को हो सके दोस्तों बिठा के यहाँ शिखा पांडे को खिलाया जा सके, जो कि हमारे लिए दोनों प्लेयर रिस्क करने वाला है। उनके बाद राधा यादव और पूनम यादव, दोस्तों ये हमारे लिए कुछ इंडियन टीम प्रेम होते। चलिए बात कर लेते हैं अब दोनों टीमों के में, देखते हैं कि किस तरह से की प्लेयर इन में से हो सकते हैं। की प्लेयर दोस्तों यहाँ से होंगे आपके लिए मिथाली राज, स्मृति मानधना, जमीमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, तानिया भाटिया, अनुजा पाटिल, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, पूनम। दोस्तों ये इनके की प्लेयर है, इनमें ज़्यादा दोस्तों टीम प्लेयर पिक करने की अपने टीम में कोशिश करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अब डेवलपमेंट टीम का। दोस्तों इसमें विकेट कीपिंग सेशन में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए सेफ रहने वाले वो होंगे दिलानी मंदोदरा और तानिया भाटिया। दोस्तों दोनों ही ऑप्शन सेफ है, आप दोनों में से किन्हीं के भी जा सकते, बट मुझे दोस्तों यहाँ लग रहा है कि तानिया भाटिया बेहतर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इनका क्रेडिट भी कम है और काफ़ी अच्छा दोस्तों इन्होंने सीरीज में बैटिंग किया। मुझे लगता है कि अगर इंडिया कोलैप्स करती है दोस्तों तो तानिया भाटिया आकर टीम को संभाल सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मैं सजेस्ट करता हूँ तानिया भाटिया आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उनके बाद बात कर लेते हैं बैटिंग सेशन की, तो बैटिंग सेक्शन में दोस्तों स्मृति मानधना, हरमनप्रीत कौर, ईशानी लोकस सूर्यागे और जमीमा रोड्रिगेज, दोस्तों ये मेरा चार प्लेयर रहने वाला है। दोस्तों अगर बात कर ले जाए दोस्तों ईशानी लोकस लोकस सूर्यागे के, दोस्तों ये अपनी टीम के बेहद ही बेस्ट बैट्समैन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। मुझे श्रीलंका तरफ से यही एक मारियट्टा पट्टू के बाद यह एक इम्पैक्टफुल बैट्समैन लगा है दोस्तों, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तब को अगर सेफ ऑप्शन बता दूँ तो इसके बाद मिताली राज आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा, यशोदा मेंडिस, हसनी पेरेरा दोस्तों इसमें से वो नहीं खेलने वाले हैं, उनके बाद वेदा कृष्णमूर्ति सेफ है, उनके बाद ये दोस्तों नहीं खेलने वाली हैं, तो आप इनमें से किन्हीं को पिक करें दोस्तों आपके लिए फायदा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं बैटिंग सेशन और ऑलराउंडर सेशन की, तो ऑलराउंडर में दोस्तों दो प्लेयर के साथ जा रहा हूँ दोस्तों, मारियट्टा पट्टू और अनुजा पाटिल। दोस्तों मुझे यहाँ दीप्ति शर्मा को छोड़ना पड़ा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता था दीप्ति शर्मा को छोड़ूँ, बट दोस्तों क्रेडिट मैनेज नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे दोस्तों दीप्ति शर्मा को छोड़ना पड़ा है। आप चाहे दोस्तों यहाँ से अनुजा पाटिल को ड्रॉप करके दीप्ति शर्मा को ले सकते हैं, बट मैं दोस्तों अनुजा पाटिल साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये दीप्ति शर्मा के ऊपर बैटिंग करने आएगी और ये काफ़ी अच्छा दोस्तों बॉलर भी है। तो उनके बाद दोस्तों अगर इन दोनों के बाद आपको सेफ ऑप्शन बता दो तो शशिकला श्रीवर्धन या दीप्ति शर्मा, नीलाक्षिका डिसिल्वा, ये दोनों तीनों काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। इन दोनों के बाद आप इन तीनों में से किन्हीं को भी ट्राई कर लेना, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों। इन दोनों के बाद अगर आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से नीलाक्षिका डिसिल्वा और दीप्ति शर्मा किन्हीं में से एक को दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब बॉलिंग सेशन की, तो बॉलिंग सेशन दोस्तों मैं चार प्लेयर साथ जा रहा हूँ, जो कि दोस्तों मेरे होंगे दो श्रीलंकन प्लेयर और दो इंडियन प्लेयर दोस्तों, उसमें से एक उद्देशिका प्रबोधनी, पूनम यादव दोस्तों, ये दो प्लेयर होंगे, और दो प्लेयर यहाँ से दोस्तों सुगंधिका कुमारी और राधा यादव दोस्तों, ये दो प्लेयर मेरे रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे क्रेडिट मैनेज करना था, इसलिए मुझे यहाँ दोस्तों सिरिपल्ली वीरा कोडी को छोड़ना पड़ा है दोस्तों। अगर आप चाहे दोस्तों यहाँ से तो एमा कांचना को पिक कर सकते हैं, और मानसी जोशी नहीं खेलने वाले दोस्तों, शिखा पांडे थोड़ा रिस्की है, कभी से का दिलाड़ी को आप दोस्तों पिक कर सकते हैं, उसके बाद अरुंधती रेड्डी दोस्तों, मुझे लगता है कि इनका आप 50-60% या 70% चांस दोस्तों खेलने का, आप इन्हें पिक कर सकते हैं, बट दोस्तों 40% चांस यहाँ शिखा पांडे का खेलने का। अगर दोस्तों टीम इंडिया अनचेंज जाना चाहिए दोस्तों, तो इनका तो अरुंधती रेड्डी आपको टीम में खेलते दिख जाएगी।
चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैंने रखा है दोस्तों यहाँ से चमारिया टापट्टी दोस्तों आपको ओपनिंग कर देखेगी और साथ साथ आपको चार ओवर का पूरा अपना चार ओवर का कोटा दोस्तों ये कराएंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। वहीं दोस्तों को वाइस कैप्टन मैंने रखा है स्मृति मानधना को जो कि आपके लिए काफ़ी दोस्तों इंपैक्टफुल बैट्समैन इन्होंने प्रत्येक मैच में दोस्तों काफ़ी अच्छे दोस्तों बैटिंग किया भले ही पिछले दो मैच में दोस्तों ये फ्लॉप रही हो बट दोस्तों ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन ने कभी भी दोस्तों ये फायर कर सकती है। दोस्तों इन दोनों के बाद अगर आपको और ऑप्शन चाहिए कैप्टन वाइस कैप्टन की तो इन दोनों के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है दोस्तों अनुजा पाटिल हरमनप्रीत कौर। अगर आप दोस्तों श्रीलंकर प्लेयर में से एक और बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप प्रभु देसिका प्रभोदनी या फिर ईशान्य लोका सुरैया में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं दोस्तों तो आप उसमें से जमीमा रोड्रिगेज या फिर राधा हैदर को भी ट्राई कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा ड्रीम इलेवन टीम। अगर आपको मेरा ड्रीम इलेवन टीम अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।